गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ न्यू चैप्टर इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन प्रीवियस चैप्टर इन चैप्टर 8 वी हैव स्टडीड सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ वी विल स्टडी हाउ कैन वी यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। फॉर दैट वी नीड ईदर हाइट और डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड एक्चुअल लाइन ऑफ साइट of observer. You know, in old times we use trigonometry to find height of mountains and pyramids, and in 1852 height of Everest is measured using trigonometry. और ये कारनामा करने वाले थे हमारे सर जॉर्ज एवरेस्ट, इसलिए इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। ओके, अगर यही कारनामा हमारे मिश्रा जी ने किया होता तो इसका नाम माउंट मिश्रा होता। खैर, जोक्स अपार्ट एंड लेट अस स्टडी टू एंगल्स। फर्स्ट एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट स्टार्ट विद एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे समझते हैं? मान लो हमारा एक ऑब्जर्वर है मिश्रा, ठीक है, ये किसी मीनार को देख रहा है, तो मीनार को अपनी आई से देखेगा, तो मीनार है, मीनार का यहाँ पे है टॉप और यहाँ पे उसका फुट, ठीक है, तो मीनार को देख रहा है। जब वो अपनी आँख से देखता है मीनार को, तो ये बनती है आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जब ये बिल्कुल सामने दिखता है तो ये बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। अब इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। एलिवेट एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है चढ़ना या तरक्की करना, ठीक है, चढ़ना या तरक्की करना। अब अगर मैं कि जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में हम एलिवेशन को कैसे शो करते हैं, जब किसी ग्राफ का जब ट्रेंड अपवर्ड होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे एलिवेट हो रहा वो, जब उसका ट्रेंड ग्राफ का ट्रेंड क्या होता है अपवर्ड होता है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो सेकंड एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अब हमारे जो मिश्रा जी थे वो बिल्डिंग की टॉप पे बैठे हैं, यहाँ पे वो यहाँ से अपने डॉगी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन होगी आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। अब इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको लर्न करने का एक तरीका क्या हो सकता है? जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं मंदी, ठीक है। अभी जैसे कोरोना का टाइम चला हुआ है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल मंदी के दौर से गुजर रही है, तो मंदी को हम कैसे इकोनॉमिक्स में कैसे शो करते हैं? जब हमारा ग्रोथ का जो ग्राफ होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है, ठीक है, जब उसका जो ट्रेंड होता है जब डाउनवर्ड होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे हमारी मंदी आई हुई है, तो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। यानी जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखें, ठीक है, तो हमारा जब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब जो हमारे मिश्रा जी हैं वो खड़े हैं एक पेडस्टल पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे मिश्रा जी वो खड़े हैं और ये देख रहे हैं किसी मीनार, ये हमारी मीनार है, एक टावर, टावर का यहाँ पे टॉप है और ये टावर का फुट है, ठीक है। अब यहाँ से तो इनकी जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है वो ये है, ये उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब जब मिश्रा जी ऊपर देखते हैं तो हमारा ये हमारी उसकी जब ऊपर देखेंगे तो ये बनेंगे लाइन ऑफ साइट, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब मिश्रा जी नीचे देखेंगे, फुट को देखेंगे टावर के, तो इस केस में ये जो लाइन ऑफ साइट, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट तो ये हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ जो अब एंगल क्रिएट करेगा तो ये इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। तो इसको याद रखने के लिए क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई एंगल बनता है, यानी जब हमें किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़े, तो मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से ऊपर। और जब हमें अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, से नीचे आना पड़ जाए तो उसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो तो क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त बताएंगे। एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट करना होगा, ठीक है, एक रेशियो क्रिएट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो वो रेशियो क्रिएट होगा उसको क्रिएट करने का तरीका होगा फाइंड, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है या तो हाइट फाइंड करवाएगा या डिस्टेंस फाइंड करवाएगा, ठीक है। फाइंड में क्या क्या हो सकता है, हाइट या डिस्टेंस, और एक जो चीज़ गिवन होगी ये रेशियो हो सकता है, ठीक है। अब जो ये रेशियो बनेगा फाइंड और गिवन का, ये मेरा साइन भी बन सकता है, साइन थीटा का रेशियो भी बन सकता है, ठीक है। ये मेरा कोस थीटा का भी रेशियो बन सकता है, कोस थीटा भी बन सकता है, और ये मेरा टेन थीटा बन सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई सभी बच्चे फाइंड को ऊपर हो गिवन को नीचे रखे, तो वो ये भी पॉसिबल है कि कोई बच्चा गिवन को ऊपर और फाइंड को नीचे रखेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। बस ये हो जाएगा अगर किसी ने इसको लेके साइन बनाया है तो वो डेफिनेटली, अगर वो इसको लेगा तो उसका क्या बनेगा, कोसेक थीटा बनेगा, ठीक है। अगर किसी ने इसको लेके कोस बनाया है तो वो इसको लेके क्या बनाएगा, सेक बनाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने इसको लेके टेन बनाया है तो डेफिनेटली वो इसको लेके यूज़ करेगा तो वो को थीटा बनाएगा। तो डोंट वरी, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आंसर विल रिमेन सेम। दिस इज़ एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल सोल्व द क्वेश्चन ऑफ NCERT। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।